हेलो बच्चों, पिछले पार्ट में हमने 53 नंबर तक के प्रश्न को हल किया था। इस पार्ट में 54 नंबर से लेकर 57 नंबर तक के प्रश्न का हल करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 54 नंबर प्रश्न है क्या। एक्स बटे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 इंटू एक्स बटे एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स जो है माइनस 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, हल करते हैं वो 54 नंबर प्रश्न का। सबसे पहले क्या है, प्रश्न लिखेंगे समीकरण x बटे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 इंटू एक्स बटे एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो सबसे पहले इस तरह का जो देखिए सेम सेम है ना, यहाँ पे भी x बटे एक्स प्लस 1 है, यहाँ पे भी x बटे एक्स प्लस 1 है। तो क्या करेंगे जानते हो, मान लेंगे कुछ एबीसीडी कुछ मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं इसको y, क्या मान लेते हैं, माना x बटे एक्स प्लस 1 बराबर वाई। देखिए क्या करेंगे, x बटे एक्स प्लस 1 को क्या मान लिया है, y माने है ना। तो जहां जहां x बटे एक्स प्लस 1 है वहां लगा देंगे y। तो y का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस ये वाला पहले लिख रहे हैं। ठीक है, 5y प्लस 6 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसका क्या करेंगे, हल निकाल लेंगे। तो यहां पे बउआ होगा, सबसे पहले विवेचक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विवेचक। विवेचक को डी से सूचित करते, विवेचक बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो a का मान यहाँ पे कितना है, 1 है, क्योंकि द्विघात समीकरण किस रूप का होता है, ax² + bx + c = 0 के रूप का होता है ना। चलिए आइए देखते हैं, तो a का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा, b का मान -5 हो जाएगा, c का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ और लिख दीजिए, बेटर रहेगा, यहाँ कोमा दे दीजिए। ठीक है, अब विवेचक वाला सूत्र में बैठा देंगे, d बराबर होता है b² - 4ac होता है। तो b का मान कितना, -5 का वर्ग करेंगे, -4 × 1, a का मान कितना, 1 है, और c का मान कितना है, 6 है। तो 25 - 4 कितना हो गया, 24 बराबर 1। 1 है बउआ, तो 0 से बड़ा है कि छोटा है, 0 से बड़ा, तो इसका जो हल होगा वास्तविक और असमान होगा। क्या होगा, वास्तविक और असमान। चलिए आइए देखते हैं, लिखेंगे अतः इस समीकरण का हल वास्तविक, ये पूछा नहीं है बट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वास्तविक और असमान होगा। इतना लिखने की जरूरत है नहीं बट लिख दीजिए, बेटर रहेगा। तो हल इसका सूत्र क्या होता है, -b + √√b² - 4ac/2a होता है ना। तो -b + √√b² - 4ac/2a होता है। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे माइनस है, माइनस बी का मान कितना है, यहाँ देखो ध्यान से, बी का मान कितना है, -5 - √√ कितना आ गया, 1 आया है ना। b² - 4ac का मान कितना आया, 1 आया, बटे 2 × 1 बराबर लिखेंगे 5 + -1/2। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 5 1, अब अलग अलग करेंगे, 5 + 1/2 और एक बार माइनस है ना, तो -5 - 1/2 तो क्या हो जाएगा, 6/2, 5 में से 1 घट गया कितना, 4/2, 2 × 4 + 2 = 6 तो कितना आ गया, 3 और 2 आ गया। इसका हल कितना आ गया, 3 और 2 आ गया। लेकिन अभी तो कहानी बाकी है, यहां पे देखिए ध्यान से, y बराबर क्या है, x बटे x + 1 है। लिखेंगे चूंकि x बटे x + 1 बराबर क्या माने है, y, और y का मान कितना आया है, y का मान हम ये भी माने हैं, y का मान 3 और 2 भी आया है, तो रख देंगे। तो लिखेंगे x बटे x + 1 बराबर, एक बार 3 ले रखेंगे, एक बार कितना रख देंगे, 2 रख देंगे। ठीक है, तो x बराबर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 × x + 1 हो गया ना, या x = 3x + 3। यहाँ देखो 3x ये प्लस में है, पक्षांतर से इधर आएगा किस में होगा, माइनस में होगा। तो x - 3x = कितना है, कितना है, 3, या -2x = 3, या x = 3/2, माइनस यहाँ लगा दी, इसीलिए x = क्या हो गया, -3/2 हो गया। ठीक है, अब क्या है दूसरा, x बटे x + 1 को क्या माने है, ये दूसरा क्या आया, शून्य क्या आया, जो मूल है वो क्या आया है, 2 आया है ना। तो अब क्या करेंगे, x कोना कोनी गुना कर दीजिए, x बराबर x
प्लस वन, ये टू है तो टू से गुना कर देंगे, तो उसे क्या करेंगे गुना कर देंगे, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस टू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे टू एक्स है ना, वो प्लस में इधर आके माइनस में होगा, तो x माइनस टू एक्स बराबर टू या माइनस एक्स बराबर टू, इसलिए x बराबर कितना हो गया माइनस टू हो गया, ठीक है। तो इसका जो हल है माइनस दो और माइनस तीन बटे दो है, लिख देना। अतः x बटे x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस छ माइनस पांच इंटू एक्स बटे एक्स प्लस वन बराबर जीरो के का हल, का हल माइनस तीन बटे दो और माइनस दो है, ठीक है। कोई दिक्कत? यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या कीजिए जानते हो, कमेंट, ठीक है। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। अगला जो क्वेश्चन है, तीन लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 110 है, तो संख्या निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तीन लगातार प्राकृतिक संख्या, ए बउआ यदि देखिएगा ध्यान से, कितना है 55 नंबर है, हल लिखिए पहले, ठीक है। मान लेंगे, माना कि तीन लगातार प्राकृत संख्या, एक यहां पे हम दो तरह से मान सकते हैं। एक मान लेंगे पहला संख्या x, x प्लस वन, x प्लस टू, लगातार तीन संख्या। अरे बउआ पांच है तो अगला संख्या छह होगा, एक जुटेगा ना पांच में, अगला उसके बाद क्या होगा, छह के बाद सात होगा, तो पांच में दो जुटेगा कि नहीं, एगो ये हो गया। दूसरा x ले लीजिए, x माइनस वन इधर कर दीजिए और x प्लस वन कर दीजिए, हम दोनों को प्राकृतिक संख्या दोनों तरह से यदि मानेंगे तो कोई भी विधि से हमारा आंसर वही प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम ये वाला मान रहे हैं, ऊपर वाला, प्राकृत संख्याएं x, x प्लस वन और x प्लस टू है, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो तीनों संख्या का क्या कर देंगे वर्ग, लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे भैया, प्रश्न से। देखिएगा ध्यान से, x प्लस x प्लस वन प्लस x प्लस टू, अब तीनों का वर्ग करने का रहा, x का स्क्वायर कर दीजिए, x प्लस वन का स्क्वायर कर दीजिए, x प्लस टू का स्क्वायर कर दीजिए, तीनों के वर्गों का योगफल कितना दिया गया, देखिएगा तो यहाँ पे योग 110 है, कितना है 110, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू इंटू एक्स इंटू वन, तो टू एक्स हो गया, प्लस बी स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही होगा ना बउआ, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है तो टू इंटू टू फोर एक्स हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर होता है तो यहाँ टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा चार, बराबर 110। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर तीन गो है तो कितना हो जाएगा तीन एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा भैया तीन एक्स स्क्वायर प्लस चार और दो कितना हो गया छो एक्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिए चार और एक अचर पद, यहाँ पे चार और एक है अचर है, तो यहाँ पे चार एक प्लस पांच प्लस में है नुनुआ और एक इधर लाएंगे माइनस में होगा, हो जाएगा 110 बराबर जीरो। तो यहां से थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस 105 बराबर जीरो, एनुआ तीन देखो पांच एक छो, ये भी तीन से विभाजित है, ये भी तीन से विभाजित है और ये तो तीन से है ही है, तो तीन कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 35 दिया होता है 105 बराबर जीरो। अब यहां से बउआ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 35 बराबर हो गया जीरो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए हल पाइए, ठीक है। तो अब इसको द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है या फिर गुणनखंड विधि दोनों से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, ए का मान बउआ वन है, यहां लास्ट में इसलिए कर दीजिए, ठीक है। ए का मान वन है
बी का मान 2 है और सी का मान कितना -35 है, ठीक है। अब विवेचक सबसे पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे, विवेचक को डी से सूचित करते हैं, होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना है, 2 का वर्ग कर दीजिए माइनस 4 गुने ए का मान 1 है, सी का मान कितना है, सी का मान कितना बउआ -35 है, ठीक है, दूनी 4 माइनस माइनस यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस तो हो जाएगा, कौन चीज जानता है, प्लस 35 चौक होता है 140, कितना होता है 140 बराबर हो गया 144। 144 क्या है, 0 से बड़ा है, तो इसका जो हल होगा वास्तविक और असमान होगा। लिखेंगे सूत्र, अब लिखिए अतः या फिर लिखिए अब माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है। तो देखिए बी का मान यहाँ पे कितना है, 2 है, तो माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया, नुनुआ 144 आया है ना, 144 बटे 2, a का मान कितना है 1 है, तो 1 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, माइनस 2 प्लस माइनस 144 का वर्गमूल जानते हो कितना होता है, 12 होता है, कितना होता है 12 बटे 2। अब इसको अलग अलग करके लिख दीजिए, माइनस 2 प्लस 12 बटे 2 माइनस 2 माइनस 12 बटे 2, तो यहाँ पे हो गया 10 बटे 2 और यहाँ माइनस 14 बटे 2, 2 सती 14, 2 पचे 10, तो हो गया कितना 5 और माइनस 7। अब देखिए क्या लिखेंगे जानते हो, माइनस 7 यहाँ पे क्या, 3 लगातार प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या माइनस में नहीं होता, याद रखिएगा, माइनस 7 ऋणात्मक है, यहाँ लिख देना ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। तो इसलिए क्या आ जाएगा, मतलब कि जो हल होगा x बराबर कितना हो गया 5, x बराबर कितना हो गया बउआ 5। तो तीनों संख्या क्या क्या माने हैं, चूंकि तीन प्राकृतिक संख्या प्राकृत संख्या x, x प्लस 1 और x प्लस 2 है, तो x बराबर कितना हो गया 5, x प्लस 1 बराबर कितना हो गया 6, और 5 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 6, x प्लस 2, 5 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 7। लिखेंगे अतः अतः तीन लगातार प्राकृत संख्या 5, 6 और 7 है, ठीक है, क्या है 7 है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 56 नंबर, दो संख्याओं का योग 15, तो मान लेंगे सबसे पहले 56 नंबर हल लिखिए, माना कि संख्याएं x और y है, x और y है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे प्रश्न से दोनों का योग कितना है बउआ, दो संख्याओं का योग 15 है, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 15, ठीक है। यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है, तो यहाँ पे बउआ उनके व्युत्क्रम, तो x का व्युत्क्रम x में कितना गुना करेंगे कि एक हो जाए, तो 1/x करेंगे ना, तो इसका व्युत्क्रम x का हो जाएगा 1/x, तो लिखेंगे 1/x प्लस 1/y बराबर कितना है 3/10 है, ठीक है। अब क्या करेंगे नुनुआ, यहां एक स्टेप बढ़ाइए, x लिखेंगे, इसलिए x बराबर कितना हो गया 15 माइनस वाई हो गया, कितना क्या हो गया 15 माइनस वाई। अब x का मान इसमें रखेंगे, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, यहां लिखिएगा x का मान, कोई भी विधि से अब इसको हल कर देंगे, ठीक है। तो हम यहां पे प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 बउआ अधिक क्या है, 1 x का मान, x का मान 15 माइनस वाई है, 1/x है, तो 1/15 माइनस वाई, ठीक है, बीच में क्या है प्लस है, तो प्लस दीजिए 1/y बराबर हो गया 3/10, ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ लोसो लेंगे, तो y इंटू 15 माइनस वाई हुआ ना, हाँ। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से,
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए जब दो उभयनिष्ठ संख्या नहीं होता है तो क्या करते हैं उसका लोसो के लिए क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो ये हम क्या कर दिए हैं, गुना। अब 15 माइनस वाई से इससे भागा देंगे तो वाई बचा, तो वाई बीच में प्लस है तो प्लस दिए, तो वाई से भागा देंगे वाई कटा, तो 15 माइनस वाई बचा बराबर 3/10। अब देखिए क्या कीजिए, वाई वाई कैंसिल हो गया 15/, यहाँ पे देखिए 15y गुना कर रहे हैं माइनस वाई स्क्वायर बराबर 3/10। अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो 15 दहे कितना हो गया 150। अब 3 से गुना कर दीजिए 15y माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है 150 बराबर 45y माइनस 3y स्क्वायर। ए बुआ ये वाई स्क्वायर यहाँ माइनस में, इसको इधर ले आएंगे पक्षांतर से, तो 3y स्क्वायर प्लस में तो माइनस एन नुआ, ये तो पहले लिखाएगा यही, लेकिन ज्यादा स्टेप क्यों बढ़ाना, यही मानक रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। तो माइनस का हो गया प्लस 3y स्क्वायर माइनस 45y, और ये तो इधर है ना प्लस 150 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे बउआ, तो वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 50 या 150 होता है बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो अब लिखेंगे इसलिए y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 50 बराबर 0, क्योंकि 3 गुना में था, हो गया किसमें, भाग में, तो 0/3 क्या हो गया 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और आंसर पाएंगे। क्या बोल रहा है, संख्या निकालना x, यहाँ पे x और y का मान निकालना है, सबसे पहले y को का मान निकालेंगे, इसको हम गुणनखंड विधि से ही हल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है समीकरण, वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 50 बराबर 0, यही है ना, देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 50 बराबर 0, 50 10 पचे 50 और 10 5 कितना हो जाता है 15, तो 10 और 5 लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 5y प्लस 50 बराबर 0। अब यहाँ y, अब ये दोनों क्या करेंगे, y कॉमन लेंगे, y इंटू वाई माइनस 10 हो गया माइनस 5 इंटू वाई माइनस 10 बराबर हो गया 0, या y माइनस 5 इंटू वाई माइनस 10 बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। अब y का मान निकालेंगे, अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात y माइनस 5 बराबर 0 है, इसलिए y का मान कितना हो गया 5, y माइनस 10 बराबर 0 है, इसलिए y का मान कितना हो गया 10, ठीक है। अब देखिए मान बारी बारी से इसमें रख देंगे, ठीक है, x के मान में y का मान बारी बारी से रखेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, पहले एक एक y का मान लीजिए ना, यहाँ पे y लिखेंगे, y का मान x के मान में रखने पर, x के मान में रखने पर, अब यदि ज्यादा प्रॉब्लम है तो दो मान लेंगे उसको समीकरण, ठीक है। तो x बराबर क्या 15 माइनस वाई, या x बराबर क्या हो गया 15 माइनस y का मान एक बार 5 ले रहे हैं, ठीक है, तो कितना हो गया 10, इसलिए x का मान कितना हो गया 10, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब y का मान 10 लेंगे, जब y बराबर 10 लेंगे तो x बराबर क्या हो गया, पुनः क्या लिखेंगे, पुनः x बराबर क्या है 15 माइनस वाई, तो 15 माइनस 10 बराबर कितना हो गया 5, x का मान 10 और y का मान 5 आ रहा है, ठीक है। जब y का मान 5 लिए हैं तो x का मान 10 है, जब y का मान 10 लिए हैं तो x का मान 5 आया है, ठीक है। लिखेंगे अतः संख्या 5 और 10 है, ठीक है, हो गया क्लियर। यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो हम दोबारा करें, कमेंट कीजिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है बउआ, समकोण त्रिभुज है, तो हल लिखेंगे, मान लेंगे, माना ए बी सी समकोण त्रिभुज है, ठीक है।
ए बी सी हो गया समकोण, ठीक है। समकोण का कर्ण दिया गया है, लंबवत के सामने वाला भुजा होता है कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया गया है, जिसका यहीं पे लिख दीजिए जिसका ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई बउआ ए आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। ध्यान से देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है, ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो मान लिया जिसका आधार क्या लिखेंगे, जिसका आधार x सेंटीमीटर है, ठीक है, क्या लिखेंगे x सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई क्या होगा, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया x, ये हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि कर्ण 13 तो अन्य दो भुजा ज्ञात करें, करना है। तो ये हुआ पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो कर्ण का जो मान है बउआ, वो कितना, कर्ण का मान यहाँ पे देखिए 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर का वर्ग करेंगे, लंब यहाँ पे x माइनस 7 है, तो x माइनस 7, ठीक है। अब सेंटीमीटर वो बाद में लगा देंगे, ठीक ना, अभी छोड़ दीजिए, सेंटीमीटर मीटर वो वगैरह वगैरह बाद में लगाते रहना, एक्स स्क्वायर आधार है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 13 का वर्ग होता है 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 7 दुना कितना हो गया 14x प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, सॉल्व कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया ना, माइनस 14x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बुआ, ये प्लस में 49 है, माइनस ये प्लस में उधर जाके किसमें होगा, माइनस में 169 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब 169 में 49 यदि घटाएंगे, 169 में 149 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस 120 का x का है कि 169 बराबर 0। अब यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, इसलिए x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर हो गया कितना, 0। अब x का वैल्यू मालूम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे और हल मालूम करेंगे, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 है। ए बुआ 12 पचे 60, 12 में से 5 घटता है तो 7 भी बच जाता है, तो x स्क्वायर माइनस 12 में से 5 घटाए 7 बच गया, x माइनस 60 बराबर हो गया 0। x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, हम यहाँ पे चेंज किए हैं चिन्ह, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर में क्या है, माइनस है, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, तो अंदर का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो माइनस 60 बराबर क्या हो गया, 0। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, एक्स इंटू एक्स माइनस 12 हो गया प्लस, ये दोनों में बउआ 12 पचे 60 होता है, 5 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 12 बराबर हो गया 0, या एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 बराबर हो गया 0। अब लिखेंगे अर्थात, इसका मतलब कि हल निकालेंगे, ठीक है। तो x प्लस मूल निकालेंगे, x प्लस 5 बराबर 0, प्लस 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हो गया, माइनस 5। ए बुआ समकोण त्रिभुज लंबाई कभी ऋणात्मक में हो सकता है क्या, नहीं, यहाँ लिखना लंबाई ऋणात्मक में नहीं हो सकता, इसलिए ऋणात्मक वाला संभव नहीं है, ऋणात्मक वाला संभव नहीं है। अब क्या करेंगे, x माइनस 12 बराबर 0 है, x माइनस 12 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हो गया, 12, x बराबर कितना आ गया, 12। तो हम यहाँ ऊंचाई कितना है बुआ, x माइनस 7 है, तो 12 माइनस 7 बराबर हो गया कितना, 5। अतः तो यहाँ पे क्या बोला था, अन्य दो भुजाएं लिखेंगे, अतः अन्य दो भुजाएं कितना है,
पांच और बारह है, पांच और बारह, पांच और बारह है, ठीक है। धन्यवाद।